नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Amex टकाटक में अपने नेम को कैसे चेंज करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों Amex टकाटक में अपने नेम को चेंज करने के लिए Amex टकाटक को ओपन करते हैं। दोस्तों Amex टकाटक ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, होम और ये प्लस वाला सिंबल और इसके बाद मी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस मी पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका प्रोफाइल फोटो होता है और उसके बगल में आपका नेम लिखा होता है। तो यहाँ पे हम इस नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है इस नेम को चेंज करने के लिए। अगर हम जाते हैं सेटिंग में तो यहाँ पे भी हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है नेम को चेंज करने के लिए। तो यहाँ से सीधे हम इसे कट कर देते हैं और आते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे गूगल पे। अब गूगल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका फ़ोटो दिखता है और उसके नीचे आपका नेम दिखता है और उसके नीचे आपका ईमेल आईडी दिखता है। तो दोस्तों Amex टकाटक में अपने नेम को चेंज करने के लिए अभी कोई फीचर नहीं दिया गया है, इसलिए हम जिस ईमेल आईडी से Amex टकाटक अकाउंट को क्रिएट किए हैं, Amex टकाटक अकाउंट बनाया है, उस ईमेल आईडी के नेम को यहां से चेंज कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए यहां पे हम क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट, और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा पर्सनल इन्फो। अब यहाँ पे आपका नेम आ जाता है और उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे नेम को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है फर्स्ट में अमित और यहाँ पे लास्ट में कुमार, तो यहाँ पे हम सिर्फ कुमार को ही चेंज करते हैं और यहाँ पे एडिट करके हम यहाँ पे अपना कुछ अलग नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम अपने नेम को एडिट करके अमित मेहता कर दिया हूँ और उसके नीचे स्क्रोल डाउन करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेव पे। सेव पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक स्टेप आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मेरा नेम अमित कुमार की जगह अमित मेहता हो चुका है। तो इसके बाद आपको चलना है अपने Amex टकाटक ऐप में। तो यहाँ से अब हम इसको सीधे कट कर देते हैं और चलते हैं अपने Amex टकाटक ऐप में। तो यहाँ पे हम इसे एक स्टेप पीछे लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा नेम नहीं अभी तक चेंज हुआ है। तो आपको इस कंडीशन में थोड़ा सा वेट कर लेना है, 2-3 मिनट वेट कर लेना है। अगर फिर भी नहीं चेंज होता है तो आपको आ जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा लॉग आउट, और यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉग आउट पे क्लिक कर देने के बाद आपको फिर वही ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के लिए आते हैं यहाँ पे मी पे और यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब हमारा नेम अमित कुमार की जगह अमित मेहता हो चुका है और ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप भी बड़े आसानी से अपने नेम को Amex टकाटक ऐप में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे गुजारिश है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।